जनपद शामली में शुगर मिलों पर किसानों का लगभग 757.85 करोड़ रुपए गन्ना का बकाया मूल्य बाकी है, जिसमें शामली चीनी मिल पर 297 करोड़, ऊन चीनी मिल पर 201.21 करोड़, थाना भवन चीनी मिल पर 277.75 करोड़ किसानों का बकाया है। वहीं आज सैकड़ों की तादाद में किसान अपने नेता विनोद निर्वाल की अगुवाई में जिला गन्ना अधिकारी शामली से मिले, जहां पर उन्होंने जिला गन्ना अधिकारी से मांग की कि जो किसान गंभीर रूप से बीमारी से पीड़ित हैं, उनके परिवार वालों को गन्ना भुगतान तत्काल प्रभाव से कराया जाए, ताकि जो किसानों के घर में बीमार व्यक्ति है वो उसका अच्छे से इलाज करा सके। और उन्होंने बीमारी, सादी बीमारी के बारे में भी कि जो लोग बीमार हैं, उनके जो कंजन बीमार हैं, तो उन किसानों को भी पेमेंट जो है समय से कराया जाए। पेमेंट शादी में लड़की की शादी और जो है जो बीमार हैं लोग, उनकी गंभीर बीमारी के कारण भी पेमेंट हो रहे हैं, उसको प्रायोरिटी से कराया जा रहा है। और पेमेंट के लिए ये एक शादी बीमारी वालों को प्रायोरिटी के आधार पर पेमेंट किया। किसान नेता विनोद निर्वाल ने कहा कि किसान ने साल भर अपनी फसल को पसीने से सींच कर मिल को दे दिया है और अब मिल मालिक उनका बकाया भुगतान नहीं कर रहे हैं, ऐसे में किसान अपना इलाज कराने को भी मोहताज हो गया है। लिहाजा जिन परिवार में कोई भी व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उसका शीघ्र अतिशीघ्र भुगतान किया जाए, ताकि वो अपना इलाज करा सके। शामली जिले में 757 करोड़ बकाया गन्ना भुगतान किसानों का है और भुगतान नहीं हो पा रहे हैं। शामली मिल की स्थिति इतनी बुरी है, हमें सूचना मिली कि 80 करोड़ 90 करोड़ की चीनी इन्होंने बेच दी और वो पैसा अपने मद में यूज कर लिया, जो किसान का भुगतान का पैसा था। करीब 2 से 3 लाख क्विंटल चीनी बेच चुके। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान के बच्चे जो बीमार है, किसान परिवार में बीमार है, जो कैंसर की बीमारी से एम्स में पड़ा, जो चंडीगढ़ पड़े, मेरठ पड़े, पानीपत पड़े, जिसका अटैक आ रहा है, जिसकी किडनी फेल हो ली, जिसकी डायलिसिस हो रही, जिसकी लीवर फेल हो ली है, और कैंसर जैसे मरीज हैं, उनका तत्काल भुगतान करें, लेकिन सामने मिल उसका भुगतान नहीं कर रहा। वे किसान के परिवार के बच्चे, कल एक गाँव का किसान था, वो शुगर मिल में जीएम के गेट पास जोड़ के कहता कि मेरा बच्चा कैंसर से पीड़ित है, बाबूजी मेरा भुगतान कर दो, जीएम साहब मेरा भुगतान कर दो, मेरा बच्चा मर जाएगा। हम ये कह रहे कि शामली मिल में जो प्रशासन शामली मिल के डीसीओ साहब हैं, हम ये बात कहना चाह रहे हैं, जो किसान परिवार में पीड़ित हैं, जो कैंसर, हार्ट, किडनी और इन बीमारियों से जूझ रहे और बाहर के अस्पतालों पड़े, उनका भुगतान ये तत्काल करें। प्रदेश के बड़े बड़े नेता किसानों के गन्ना बकाया के भुगतान 24 घंटे और शीघ्र अतिशीघ्र करने का दावा करते हैं, मगर इसकी जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शामली से पंकज मलिक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।